इंदौर एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हवाला कारोबार का पर्दाफाश किया है। एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए 70 लाख रुपए जब्त किए हैं। दरअसल एसटीएफ ने जावरा कंपाउंड में नाकोड़ा कॉम्प्लेक्स की तीसरी मंजिल पर बने फ्लैट में छापा मारा, जहां हवाला का कारोबार चल रहा था। काफी सर्चिंग के बाद एक गुप्त चैम्बर नंबर आया, जहां इंदौर एसटीएफ विभाग की टीम ने इस दौरान हवाला से जुड़े 7 कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। वहीं टीम ने उनके कब्जे से 70,10,000 रुपये, 3 नोट गिनने की मशीन और 9 मोबाइल फोन्स भी जब्त किए हैं। वहीं पकड़े हुए ये सभी आरोपी गुजरात के रहने वाले हैं और हवाला का कारोबार करते हैं। एसटीएफ इकाई इंदौर को एक उल्लेखनीय सफलता हासिल हुई है, जिसमें सूचना प्राप्त हुई थी कि जो नाकोड़ा कॉम्प्लेक्स है जावरा कंपाउंड में, वहाँ ये हवाला का कारोबार हो रहा है। उक्त सूचना की तस्दीक की गई और सर्वेलेंस इत्यादि की गई और वहाँ दबिश दी गई, तो कुल 7 व्यक्तियों को, जो सभी गुजरात निवासी है, उनको गिरफ्तार किया गया और उनके पास से 70,10,000 रुपये जब्त किए गए हैं। तो इनके पास नोट गिनने की मशीन और जो नोट स्टेपल करने का बड़ा स्टेपलर होता है वो, 9 मोबाइल फ़ोन और इसके अतिरिक्त कैलकुलेटर, अन्य सामग्री जब्त हुई है। अभी प्राथमिक पूछताछ में उनका कहना है कि 2-3 महीने से कर रहे हैं। जो फ्लैट है उस फ्लैट में एक रूम में सीक्रेट चैम्बर भी मिला है, जिसमें कि कुछ वो स्केल आदि डालते थे तो वो स्प्रिंग से वो एक कंपार्टमेंट का गेट खुल जाता था और उसको खुफिया एक इस तरह का एक चैम्बर भी बनाया गया था, वो भी मिला है। सर कहाँ का पैसा ही? ये अभी आरोपियों को पकड़ा गया है, उनसे विस्तृत जो है पूछताछ की जा रही है और उससे अभी स्पष्ट होगा कि ये कहां कहां से हवाला का कारोबार होता था और कौन कौन लोग लिप्त हैं। बहरहाल पुलिस इन सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।